स्वास्थ्य विभाग एवं सेंटर फॉर कैटालाइजिंग चेंज के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत भर्नों में चयनित पीयर एजुकेटर साथिया का 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। इस प्रशिक्षण में उपस्थित साथिया को प्रशिक्षक द्वारा RKS के कार्यक्रम पीयर एजुकेटर की भूमिका, नशापान, गैर संचारी रोग, मानव तस्करी, बाल विवाह, प्रजनन स्वास्थ्य के अलावा समाज में महिला पुरुष समानता लाने में किशोरों की भूमिका पर विशेष रूप से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में शामिल किशोरों को संबोधित करते हुए पूर्व GDAW अरुण राव ने कहा कि आपको इस प्रशिक्षण में जो भी जानकारी दी जा रही है उसे गावन के हर किशोर तक पहुंचाए और साथ ही उपस्थित किशोरों प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस मिलिट्री में जाने के लिए किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए इसके लिए विशेष सुझाव दिए। आगे कहा कि मेरी और मेरी टीम के ओर से आपके गावन में रात्रि पाठशाला चलाई जा रही, उसमें आप भी जुड़े और खुद शिक्षा ग्रहण कर बच्चों को भी शिक्षित करें। करंज थाना के प्रभारी आशीष भारती ने किशोरों को कहा कि आप अपने गांवों में नशापान, मानव तस्करी जैसे विषयों पर जागरूकता लाए जिससे हमारा समाज नशा मुक्त समाज बने, और 1098 के बारे भी जानकारी दिया और अपने संबोधन में कहा कि आप में से किसी को पुलिस मिलिट्री सेवा में जाना है तो आप मेरे पास थाना आ सकते हैं, मेरे द्वारा इसका तैयारी आपको कराया जाएगा, इसके नियम की जानकारी आपको मेरे द्वारा दी जाएगी। पढ़ाई से संबंधित हमने भी एखे कम्युनिटी के रही दतिया में रोड से छोट सवालन से और जे है कितना जरूरी है तो सीधा बात शुरू करी जाए भूमिका से बैठ बैठ हमें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।